सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दिस इज सौरभ नशीद और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरा वो सोलो रोड ट्रिप का सीरीज चालू है, मैं अचानक घर पे कैसे आ गया। तो बात यह है कि आपको पता है आज मैं ताजमहल का ब्लॉग डाल, तो कल मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसने बताया कि ताजमहल का ऐसा ऐसा स्टोरी है। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, मतलब बचपन से हमें बनाया जा रहा है हिस्ट्री के नाम पे। तो मैंने जैसे है अपने गूगल पे सर्च करते हैं सब लोग कुछ भी जानना है, तो मैंने भी गूगल पे सर्च किया तो अलग स्टोरी निकली। एक कुछ प्रोफेसर पी एन ऑक करके एक भाई साहब है, उन्होंने ताजमहल पे बुक लिखी है। उन्होंने उसमें ऐसा बताया है कि ताजमहल कोई शाहजहां ने नहीं बनाया है, पहले से ही बना हुआ था। और एक मंदिर था शिव जी का, लॉर्ड शिवा का मंदिर। और शाहजहां क्या किया, शाहजहां आया और उसे छीन लिया अपने जयपुर के जो राजा है जय सिंह जी, वो जमाने के जय सिंह जी जयपुर के राजा थे, उनसे भाई ने ताजमहल छीन लिया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बेगम मुमताज को वहां पे दफनाना था। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि मैं गया हूँ ताजमहल, तो आपको बताता हूँ अंदर तक गया हूँ। तो वहां पे हाँ बहुत सारे ऐसे थे रूम्स जिसको बंद करके रखे हुए, तो इसमें ऐसा भी लिखा गया है कि ये रूम खोल दो तो आपको पता चलेगा अंदर क्या है। लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, सर काटा हुआ है, ऐसा सब लिखा हुआ है। अब पढ़ लो इंटरनेट पे जाके, बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी। क्या स्टोरी, मतलब बचपन से ऐसा बताया जा रहा है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल इतना बड़ा खड़ा किया, लोगों के हाथ काट दिए ताकि दूसरा ताजमहल ना बना पाए। अभी पता चलता है कि ताजमहल पहले से बना हुआ था, किसने बनाया क्या बनाया वो कुछ नहीं लिखा है। लॉर्ड शिवा का टेम्पल था, फिर शाहजहां आया उसने छीन लिया क्योंकि मुमताज को दफनाना था। तो क्या क्या सब मैं बोलता हूँ, ये सब हिस्ट्री स्टोरी ये सब कैसा है, मनगढ़ंत कहानियां है, सब अपने हिसाब से बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, हम है जो पढ़ते रहते हैं और अब तक मानते आ रहे थे। मैं बोलता हूँ ये सब कैसा है, ये दुनिया बड़ी गोल है और इसमें बहुत सारे झोल है, तो इस झोल में नहीं पड़ते हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ सीधा उस दिन जिस दिन मैं ताजमहल गया, और ये सब स्टोरी को साइड पे रख के हम ताजमहल की जो खूबसूरती है उसे निहारते हैं। उस मतलब जो खूबसूरत बनाया है पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई बना नहीं पाया है और ना ही बना है, और सिर्फ एक ही पीस है वो है इंडिया में। उसके वजह से मैं वहां पे गया देखने के लिए। स्टोरी वोरी सब ठीक है, अभी वो हिस्ट्री है उसको है वो, तो उसको हिस्ट्री में ही रहने देते। अभी प्रेजेंट में जो है अपने पास इतना मस्त ताजमहल, इतना लंबा है, इतना मस्त है, खूबसूरत है, सफ़ेद है। मैं आपको उस दिन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे जिस दिन मैं ताजमहल गया था, क्या सीन है, कैसा है, कितने बजे जाना है, क्यों जाना है, कितने लोग आते हैं, क्या आते हैं, वो सब मैं उधर पहुँच के बताता हूँ। ठीक है चलो। मैं अभी ताजमहल जा रहा हूँ चलते चलते, हॉस्टल से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है, और वहाँ पे पार्किंग का कुछ इशू है ऐसा बोला मुझे हॉस्टल वालों ने, सोचा चल के ही चले जाता हूँ। और चल के भी अच्छा है, देखो क्या व्यू है, मस्त फुटपाथ बना के रखा है। चलो अभी ताजमहल पहुँच के आपको सब अपडेट्स देता हूँ मैं, जल्दी बस 2 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। टिकट ले लिया है, 50 रुपीज़ का नीचे का टिकट है और 200 अगर एक्स्ट्रा पे करोगे तो आप ऊपर तक जा सकते हो। ये कोई बताएगा नहीं, आपको लेना है वरना 50 रुपीज़ का टिकट समझ के ले लोगे फिर वहाँ जाके पता चलेगा, ऊपर जाने का तो है नहीं। और ये एंट्रेंस है तो मैं जा रहा हूँ अभी। मैं ताजमहल के अंदर एंटर कर चुका हूँ, मेरे सामने है ताजमहल और सुबह के 5:30 बजे और पूरा फॉरेनर्स से भरा हुआ है क्योंकि इंडियंस इतना जल्दी नहीं उठ सकते भाई, फैमिली वाले लोग हैं, सबको नहाना धोना, बच्चों को तैयार करना नहीं होता है,
तो सिर्फ फॉरेनर्स है अभी, और इतना बड़ा कितना ब्यूटीफुल है, ऊपर से सनराइज हो रहा है, तो एकदम सही टाइम पे आया इधर, अच्छा व्यू दिखाता हूँ। सोचो ज़रा वो ज़माने में शाहजहाँ ने क्या मतलब इतना मेहनत क्यों किया, मतलब ये ज़माने में तो दो जोड़ी कपड़े दे दो खुश हो जाएगी अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी है वो, सही है, उस ज़माने की बात ही अलग थी कुछ। पब्लिक देखी आपको वहाँ पे, इतनी सारी पब्लिक आ गई अभी आधे घंटे के अंदर। चलो हम लोग तो इधर घूम लेते हैं, यहाँ पे कोई नहीं, इतने लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने में बिजी है, यहाँ पे कोई आते नहीं है। अभी मैं अंदर जाके आया, अंदर शाहजहाँ और मुमताज की कब्र है, और उससे अच्छा कि अंदर ऐसा बना के रखा है कि वेंटिलेशन मस्त, अंदर भी हवा आ रही थी, और अंदर जाने के लिए देखो ऐसा जूते के ऊपर कवर लगा के जाना पड़ता है। जैसे जैसे सनरेज आ रही है वैसे वैसे ताजमहल और भी खूबसूरत दिखते जा रहा है, और कैमरा में आपको समझेगा नहीं देखो, पर मैं बता रहा हूँ, मेरे पे भरोसा करो, मस्त दिख रहा है। सुबह का टाइम ही बेस्ट टाइम है अगर आपको ताजमहल देखने आना है तो, सनराइज़ होता है धीरे धीरे, ताजमहल ब्यूटीफुल होते जाता है, और एक दो घंटा बिताओ यहाँ पे, मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है सुबह सुबह, पब्लिक भी कम रहती है, दोपहर तक तो मेला लग जाएगा यहाँ पे। बैठे बैठे ताजमहल देखते जा रहा था, क्लाउड्स पास हो रहे थे, सनराइज हो रहा था, एक घंटा ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला, तो अभी निकलता हूँ। वैसे तो कुछ काम नहीं, लेकिन पैक करके निकलना है दिल्ली के लिए, जितना जल्दी निकलूँ उतना अच्छा है, कि शाम को बारिश हो सकती है कुछ भरोसा नहीं है, बादल तो अभी भी छाए हुए, और धूप, दोपहर को धूप भी आ सकती है, अभी क्लाइमेट का कुछ भरोसा नहीं है भाई। तो निकलते हैं, हॉस्टल जाऊंगा, पैक करूंगा, बाइक पे लगाऊंगा सब सामान और जल्दी से निकल जाऊंगा। अभी आपको रास्ते में मिलता हूँ, बाइक से अगर कुछ नज़ारे दिख रहे होंगे तो दिखाऊंगा, वरना सीधा दिल्ली जाके मिलता हूँ। ओके और बाय बाय। मैं रेडी हो गया हूँ और हॉस्टल से निकला था, बाजू में उड़ीपी रेस्टोरेंट है, तो सोचा आज ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, तो उड़ीपी पे वड़ा सांभर मंगाया है, वड़ा सांभर खा के निकलूंगा। और एक अपडेट देना भूल गया कि अगर आप ताजमहल आ रहे हो तो फ्राइडे को मत आओ, फ्राइडे को बंद रहता है, और सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहता है, तो वीकडे पे आओ, सुबह सुबह आओ, सुबह एकदम खाली रहता है, और 5 बजे तक आ जाओ, क्योंकि उसके बाद भीड़ जो रहती है वो बढ़ना चालू हो जाती है, और फॉरेनर्स ज़्यादा रहते हैं, फिर इंडियंस आते हैं वैसे। तो अभी बजे है 9:15, 10 बजे तक निकलूंगा यहाँ से, दिल्ली पहुँचूँगा ऑलमोस्ट 2-3 बजे तक, तो यही था बस, चलो मिलते हैं दिल्ली पहुँच। हो गया ब्रेकफास्ट करके, और हॉस्टल में इधर ग्लव्स भूल गया था तो वापस आया, और ठीक था, 100 रुपये में 4 छोटे छोटे मेहंदी वड़ा दिए, जितना अपने मुंबई में वो अन्ना देता ना साइकिल वाला, उतना 20 रुपये का जो वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे 100 रुपये में दिया। मैं को लगा उड़ीपी है तो अच्छा रहेगा, लेकिन आज पता चल गया सब जगह पे उड़ीपी अच्छा नहीं रहता है। चलो निकलता हूँ। तो हेलो वंस अगेन एवरीवन, मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ और अभी गोस्ट हाउस में हूँ, दिल्ली के गोस्ट हाउस, अच्छा एकदम 5-स्टार जैसा है, कार्ड सिस्टम और एवरीथिंग, और मैं अभी सो गया था, बहुत खतरनाक और अच्छा नींद आया, क्या बोलूँ मैं, कल रात को भी वही हुआ था, लेट सोया था, कुछ 3 बजे तक सोया था, 4 बजे उठना पड़ा, ताजमहल जाना था सुबह सुबह 5 बजे, तो एक 1.5 घंटा ही सोया था कल रात को, और फिर मैं सुबह 10 बजे निकला आगरा से दिल्ली के लिए, और 200 किलोमीटर था कुछ, 214 किलोमीटर, तो चार घंटा बता रहा था। यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ा
यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्टिंग में जो मज़ा आया है बाइक चलाने के लिए, एकदम मतलब फोर लेन साइड, दोनों साइड एक एक लेन तो पूरा बाइक के लिए अलग दे के रखा है इन लोग ने, तो उसी पे मस्त 80 90 80 90 और एकदम सीधा रास्ता, एकदम मज़ा आ रहा था चलाने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद बोर होने लग गया, नींद आने लग गई, तो मैं हाईवे पे ही बैठ गया थोड़ी देर भाई, क्योंकि अगर चलाते चलाते सो गया तो फिर ख़त्म है। तो थोड़ी देर बैठ गया हाईवे पे, फिर दिल्ली के कुछ 80 60 80 किलोमीटर पे एक रेस्टोरेंट वो हाईवे से मतलब बना के रखा है हम लोग ने, वहाँ पे चाय पिया। उसके बाद कैसे भी दिल्ली पहुँचा, हूँ नहाया, बॉडी का जो दर्द है वो सब निकाल दिया गर्म पानी से नहा के, और बेड पे जैसे ही लेटा ऐसा सोया वो सीधा, अभी 8:30 बजे 8:30 बजे उठा, 5 बजे कुछ सोया था, 8:30 बज रहे अभी, खाने का भी बाकी है। सुबह से वही मैं मेदू वड़ा खाया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं हूँ। यहाँ पे दिल्ली में हमारे आदित्य भाई रहते हैं, वो यार आया था, मैं सोया हुआ था, पता ही नहीं, इतने फ़ोन किए उसने, 20 से 25 मिस कॉल किए, शिट। अभी देखते हैं, गया घर वापस, अभी आएगा तो जाएंगे बाहर कुछ खाने के लिए, तो आपको गया तो कुछ दिखाऊंगा। ओके चलो।